अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं जायकेदार मजेदार रोस्टेड मटन रान। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पूरी रान ले ली। रान को अच्छी तरह हमने धो लिया है, तो सबसे पहले हम इसे मेरीनेट करके रखेंगे। तो मेरीनेट करने से पहले हम इसमें थोड़े से कट लगाएंगे ताकि हम जो मसाला इसमें लगाए तो वो अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए, और कट हम यहाँ पर थोड़े से गहरे लगाएंगे ताकि जो मसाला है वो अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए, और कट को थोड़ा सा फासले पर लगाएंगे। इस तरह थोड़ी दूरी दूरी पर लगाते जाएंगे। तो ये एक साइड हमने कट लगा लिए हैं और दूसरी साइड भी इसी तरह कट लगा लेंगे। तो इसे इस तरह पलटेंगे। तो ये रान पर हमने कट लगा लिए और दोनों साइड से इस तरह कट लगा लिए हैं, ये देखिए। अब लगाएंगे हम इस पर मसाला। मसाला तैयार करने के लिए एक कप दही लेंगे, एक चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, इसे हमने मोटा दरदरा पीस लिया है, एक टीस्पून लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून जर्दे का कलर, एक टेबल स्पून कच्चा पपीता, ये मटन को बहुत अच्छे से गला देता है, और दो नींबू के रस डालेंगे। नींबू अपने हिसाब से देख लें, जैसा खट्टा आपको पसंद हो उस हिसाब से नींबू डाल लें। दो टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले को हम अच्छी तरह लगा देंगे, जो हमने कट लगाए हैं मसाला हम ये कट के अंदर भी इस तरह भर देंगे। तो रान पर मसाला हमने लगा दिया है, अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे पूरी रात को भी रख सकते हैं। अगर आप इसे पूरी रात के लिए रखेंगे तो मसाला अंदर तक अच्छे से पहुंच जाएगा। तो इसे हम ढक कर रख देंगे फ्रिज के अंदर। रान अच्छी तरह मेरीनेट हो गई है, अब इसे हम ले जाएंगे अपने छोटे से गार्डन में और वहाँ इसे रोस्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ हमने तंदूर लगा लिया है, अब इस पर रखेंगे ये रान को। तो जैसे ही हमने रान को रोस्ट करने के लिए रखा वैसे ही पानी तेज आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आग थोड़ी सी बुझ गई है, तो हमने ये दूसरी तरफ आग जलाई है ताकि अंगारे अच्छी तरह हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे। और आप देख सकते हैं पानी, ये देखिए। और इसे रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए हमने यहाँ पर ये इंतज़ाम किया है। तो हमने यहाँ पर ये तिरपाल लगा दिया है ताकि पानी चूल्हे पर एकदम ना आए, देखिए। तो चूल्हे में भी पानी थमने लगा था, तो यहाँ हमने थोड़ा सा रास्ता बना दिया ताकि पानी आराम से दूसरी साइड निकल जाए। और आप देख सकते हैं कि सारे में पानी भर गया है, पानी अच्छा खासा ही पानी गिर गया था। और यहाँ हमने जो दूसरी साइड अंगारे लगाए थे ये थोड़े हो गए, तो हमने इसमें रख दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अंगारे हमने बहुत कम रखे हैं, मतलब आँच यहाँ पर कम रखी है। जितनी कम आँच में आप इसे रोस्ट करेंगे ये उतनी ही अच्छी रोस्ट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मटन हड्डी को छोड़ने लगा है, ये देखिए। इसका मतलब है कि ये रान थोड़ी सी पकने लगी है, ये देखिए, ये हड्डी को छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर अभी हम ऑयल लगाते जाएंगे और इसे अभी और रोस्ट करेंगे। रान अच्छी तरह रोस्ट हो गई है, देखिए चारों तरफ से हम आपको दिखा देते हैं, ये अच्छी तरह रोस्ट हुई है। रान रोस्ट करने के टाइम पर पानी गिर गया था तो आग थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, फिर अंगारे हमने अलग से किए और फिर इसे रोस्ट किया। तो आप देख सकते हैं रोस्ट अच्छी हुई है और ये मटन ने हड्डी को भी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब इसके ऊपर आप नींबू का रस लगाएं और इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, सलाद के साथ, जिससे भी चाहें आप इसे खाएं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजे की बनी है। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।